गाइस वेलकम बैक टू जेजे ऑटोमेल व्लॉग्स और मैं हूं जितेश। तो भाई जो आज की वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है भाई हमारी i20 से रिलेटेड। तो भाई जिन भी भाइयों को नहीं पता अपने पास भाई एक i20 भी है जिसके अंदर हमने अभी डिसेंट से मॉडिफिकेशन करवा रखी है और जो आज हम करा रहे हैं भाई अपना एक स्टेप आगे करा रहे हैं, एक मॉडिफिकेशन हम और ऐड करा रहे हैं। तो भाई जो मेरे पास गाड़ी का मॉडल है वो है i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट जिसके अंदर अपनी नॉर्मल वाली हेडलाइट्स आती है और आज हम उसके अंदर अपग्रेड करा के अपनी टॉप मॉडल वाली जो अपनी एस्ट ऑप्शनल के अंदर हेडलाइट्स आती है, प्रोजेक्टर वाली हेडलाइट्स आती है, वो हम इसके अंदर इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो भाई इंस्टॉल कराने के दो रीजन है। एक तो रीजन भाई आपके लुक, क्योंकि भाई जो टॉप मॉडल की जो DRL के साथ जो रोशनी आती है और जो लुक आती है वो बहुत अमेजिंग आती है। और सेकंड रीजन जो है भाई वो लाइट का थ्रो, अगर आप कभी भी देखोगे तो भाई रिफ्लेक्टर से बेटर थ्रो हमेशा प्रोजेक्टर्स का होता है। तो भाई अब ठंड का टाइम भी आ गया तो थोड़ी बहुत हमें लाइट में कमी महसूस हो रही थी तो मैंने सोचा भाई अभी से अपग्रेड करा देते हैं। तो भाई जो हम लाइटें इंस्टॉल करवा रहे हैं वो जेन्युइन अपनी हुंडई की ही इंस्टॉल करवा रहे हैं, बट भाई सेकंड हैंड वो यूज लाइट होती है क्योंकि जो ब्रांड न्यू लाइट्स है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। तो भाई वो इतना इजीली इकोनॉमिक नहीं होता आपका इंस्टॉल करवाना, बट जो उनकी कंडीशन होती है वो बिल्कुल ठीक होती है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा बेकार कंडीशन में होती है। प्लस भाई हम जो टॉप मॉडल वाली लाइट्स है उसमें एक दो चेंजेस और करा रहे हैं ताकि उसकी कंडीशन बिल्कुल हम ब्रांड न्यू जैसी दिखा सके। तो वो चीज़ मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हम क्या करवा रहे हैं, क्या क्या चेंजेस करवा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहना भाई, बहुत मजा आएगा। तो फटाफट चलते हैं भाई एक बार गाड़ी से बाहर और जो भी अपनी गाड़ी की लाइट है और क्या उसकी पूरी लुक वगैरह वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद भाई पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस वगैरह हर चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये रही अपनी i20 और अपनी गाड़ी का जो है काम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो एक बार आप लोग इसकी एग्जिस्टिंग लुक देख लो, अपनी रिफ्लेक्टर्स वाली इसके अंदर हेडलाइट्स है भाई। जो मॉडल है दिस इज स्पोर्ट्स मॉडल, पेट्रोल में जो आता था आप देख सकते हो इसके पूरे रिफ्लेक्टर वाली लाइट्स बिल्कुल अपनी ब्रांड न्यू है भाई, लाइट्स में कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट थोड़ा सा अपग्रेड कराने का मन कर रहा था, DRL वगैरह और एक अच्छी थ्रो चाहिए थी तो इसके लिए प्रोजेक्टर्स में अपग्रेड करा रहे हैं टॉप मॉडल वाले प्रोजेक्टर्स में। तो अभी अपना काम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले भाई जो हमारी एग्जिस्टिंग हेडलाइट्स है वो रिमूव होगी और उसके बाद भाई जैसे जैसे जो भी प्रोसेस होगा आपके साथ सब मैं शेयर करूंगा। तो भाई अपनी जो हेडलाइट्स है वो रिमूव हो चुकी हैं और भाई अपनी सारी हेडलाइट्स यहाँ पे रुकी हुई है। तो भाई ये अपनी जो टॉप मॉडल की जो हेडलाइट है जो हम इसके अंदर इंस्टॉल करवाने वाले हैं वो भी आ चुकी है। तो भाई जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था जो अपनी हेडलाइट्स होती हैं यूज हेडलाइट्स होती हैं, तो भाई कभी कभार क्या होता है इनके जो शीशे वगैरह होते हैं उनकी कंडीशन रफ होती है। तो हम क्या करवा रहे हैं, जैसे कि हमारी हेडलाइट्स भाई बिल्कुल ब्रांड नहीं होती तो उसके हम जो मिरर्स हैं वो इसमें हम स्वैप करा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है भाई बेसिकली जब भी आप हेडलाइट्स देखते हो तो मेन जो आपके हेडलाइट के कवर होते हैं शीशे होते हैं उसी से आप लोगों को पता लगता है भाई हेडलाइट डल हो गई, पुरानी हो गई, नहीं हो गई। तो आप देख सकते हो लाइट बिल्कुल बढ़िया हो गई और जो शीशे हैं अगर इसके ऊपर ब्रांड न्यू लग जाएंगे तो वो भी भाई लाइट अपनी बिल्कुल नहीं हो जाएगी। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अगर आप लोगों को लगता है कंडीशन बिल्कुल ओके आपके मिरर्स की तो आप एज इट इज लगवा सकते हो, और अगर आप लोगों को लगता है भाई शीशे रफ हैं तो जस्ट आप अपनी लाइट्स के जो मिरर्स हैं वो भी स्वैप करा सकते हो। तो हम जो करा रहे हैं भाई वो स्वैप करा रहे हैं क्योंकि भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू चाहता था मैं। तो ये देख सकते हो हमारे जो लाइट थी उसे भी हमने प्रॉपर तरीके से खोल लिया, एक बार दिखाना भाई इसके शीशे, तो देख सकते हो भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू उसके मिरर्स हैं पूरे और एज इट इज इंस्टॉलेशन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई ये काम हम करा रहे हैं, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ अगर आप लोगों को बिल्कुल ब्रांड न्यू वाला इफेक्ट चाहिए तो भाई ये काम भी आप करा सकते हो, ये भी आप देख सकते हो। तो फर्स्ट काम अपना ये है, एक बार भाई जब शीशे स्वैप हो जाएंगे उसके बाद मैं आप लोगों को इसके फाइनल लुक दिखा दूंगा कैसी आ रही है। प्लस भाई इसकी वायरिंग वगैरह भी पूरी बनेगी क्योंकि स्पोर्ट्स मॉडल है तो इसके अंदर वायरिंग डिफरेंट आती है, एस्टा मॉडल में वायरिंग डिफरेंट आती है। तो जब ये भी हो जाएगा इसकी वायरिंग बन जाएगी फिर उसके बाद आप लोगों को ऑन वगैरह करके हर चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस हमारा जो है मिरर है वो प्रॉपर तरीके से स्वैप हो चुका है और जो हमारा भाई टॉप मॉडल वाली हेडलाइट्स का कवर था उसमें लग चुका है, आप देख सकते हो भाई बिल्कुल अपने ब्रांड न्यू टाइप में हो गई है। जस्ट अब इसकी पैकिंग का काम चल रहा है तो अभी लाइट्स वगैरह खुली रही है तो यहाँ पर भाई प्रॉपर बुटाइल से हमारा ये पूरा पैक करा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रही अपनी बुटाइल, साथ में भाई हम बाद में टेप भी लगवाएंगे अपने प्रिकॉशन के लिए, सेफ्टी के लिए। तो भाई काफ़ी बढ़िया चीज़ है, इससे आपका पानी वगैरह मॉइस्चर वगैरह कुछ भी नहीं जाता क्योंकि मेरे काफ़ी भाई सोच रहे होंगे कि यार हेडलाइट्स हमने खुलवा दिया तो उसमें मॉइस्चर चला जाएगा। तो मानशु भाई मॉइस्चर तो नहीं जाएगा ना बिल्कुल भी? नहीं भैया बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो भाई देखो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर देखिए एजेस में अपने बोटाइल लगा के जस्ट बिल्कुल कवर हो जाएगा और भाई मॉइस्चर जाने के कोई भी चांसेस नहीं होते, देख सकते हो। बाकी मानशु भाई एक चीज़ और बताओ, जैसे हमने इसके अंदर हमारे स्टॉप प्रोजेक्टर है जो हमने इसके अंदर ऑटो की वाला प्रोजेक्टर डाला था वो इसमें स्वैप हो सकता है? इसमें नहीं हो सकता, बाकी और बलेनो सुपर इसमें हो जाता है, मतलब i20 में नहीं हो सकता। i20 वरना इसमें नहीं होता। बाकी भाई अगर आप लोग चाहो तो इसमें ये भी चेंज करवा सकते हो, जैसे भाई ने बताया बलेनो हो स्विफ्ट हो आप प्रोजेक्टर भी चेंज करवा सकते हो और आप लोगों को थ्रो और अच्छा चाहिए, बट अभी हम कुछ नहीं करा रहे क्योंकि इसमें भाई चेंज हो भी नहीं सकता। बाकी आफ्टर मार्केट किसी हेडलाइट का प्रोजेक्टर चेंज हो सकता है? हो सकता है, मतलब जैसे हमारी रिफ्लेक्टर वाली लाइट थी हमें उसमें प्रोजेक्टर लगाना था वो हो सकता है बिल्कुल। भाई जैसे कि हमने पहले एक वीडियो डाली थी, अगर आप लोग चाहो तो वो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके भी डिटेल्स दे दूंगा। और ये देखो भाई पूरा पैकिंग का काम चल रहा है, जैसे भी पैक होने देते हैं भाई, फिर प्रॉपर टेप लगेगी
फिर वायरिंग का काम चलेगा। तो आगे आगे जैसे जैसे जो भी होगा हर चीज आपके साथ में शेयर करता हूँ। सो गाइज मीनवाइल हमारी गाड़ी के जो हेडलाइट्स हैं वो कंप्लीट रेडी हो रही है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को भाई प्रोजेक्टर्स बता रहा था कि अगर आप लोगों को रोशनी और अच्छी चाहिए और आप लोग अगर प्रोजेक्टर्स अपग्रेड करने हैं तो आप देख सकते हो भाई अपने यहाँ पे सारे प्रोजेक्टर्स आ चुके हैं। और भी डिजाइन आते हैं तो जस्ट मैंने भाई दो तीन अपने रखवा लिए थे, जैसे कि अपने ऑटो की का प्रोजेक्टर है जिसकी रोशनी भाई बहुत 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 अमेजिंग है। तो उसका एक डेडिकेटेड ब्लॉग मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, अगर आप लोगों को देखना हो तो देख सकते हो। बाकी भाई इसी के अंदर अपना एक डिजाइन आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो लॉयन किंग के नाम से ऑटो की का ही है, इसमें फुटबॉल वाले डिजाइन या हनीकॉम आप डिजाइन कह सकते हो। तो जिसको थोड़ी सी लुक भी एनहेंस करनी है और रोशनी भी एनहेंस करनी है उनके लिए भाई ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख सकते हो। तो ये दोनों सेम ही ब्रांड के अपने भाई ऑटो की के, प्लस भाई अपना एक आईपीएस का भी आता है जिसको थोड़ा सा अपना भाई ड्रिंक्स वगैरह चाहिए होते हैं पूरे, आप देख सकते हो कंप्लीट ड्रिंक्स अपने डबल ड्रिंक है इसके अंदर, तो इसकी भी रोशनी अच्छी होती है बट एज कम्पेयर टू ऑटो की इसकी थोड़ी सी कम होती है। तो जिनको थोड़ा सा भाई फैंसी लुक चाहिए तो वो भी ये भी अपग्रेड करा सकते हैं। तो जैसे कि भाई जिन भाइयों की गाड़ी में ये होता है कि टॉप मॉडल वाली हेडलाइट्स नहीं आती और उन्हें रोशनी अच्छी चाहिए तो आप ये सब भी अपग्रेड करा के अपनी लाइटों को खुद ही कस्टमाइज करा सकते हो जैसे आप लोगों को चाहिए हो। ये देख सकते हो भाई सारे डिजाइन, तो पिछले वाला व्लॉग देख लेना यार, उसमें हर एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी अगर भाई फॉग लाइट अपग्रेड करनी हो तो आप ये इंस्टॉल करवा सकते हो अपने आईपीएच के फॉग लाइट्स, ये हमने अपनी गाड़ी में ऑलरेडी करवा रखे हैं भाई बलिनो के अंदर, बहुत 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 अमेजिंग रिस्पॉन्स है, उसको रोशनी आती है अमेजिंग भाई, इसमें लोअर हाई बीम अपनी दोनों है। तो ये देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है भाई, जो आपका दिल करे आपकी नीड के हिसाब से कस्टमाइज करानी है, कुछ करानी है आपको अपने टॉप मॉडल के हेडलाइट्स में चेंज करानी है तो सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जस्ट आओ भाई और अपने आप इंस्टॉल करवा सकते हो। तो भाई बुटाइल हमारी लग चुकी है और जो भाई सेकंड काम है दोबारा से भाई सेफ्टी रीजन से कि हमारे जो मॉइस्चर 1% भी ना जाए, ऊपर से भाई टेप लगा दी जाती है और ऊपर से उसे हीट कर दिया जाता है ताकि भाई बिल्कुल चिपक जाए, तो भाई कोई भी चांस नहीं आता भाई अंदर मॉइस्चर जाने का। बाकी भाई कंडीशन आप देख सकते हो बिल्कुल ब्रांड न्यू अपनी लाइटों की हो ही गई है, तो ये पूरी ऐसी लगेगी। सेम भाई अपनी सेकेंड लाइट भी बंद होगी, ये अपनी यहाँ पर खुली पड़ी है आप देख सकते हो, तो इसे भी होने देते हैं भाई। उसके बाद जब इंस्टॉलेशन होगी लुक और ऑन करके हर चीज़ आपके साथ में शेयर करता हूँ। सो गाइज एक जो हमारी लाइट है उसका काम फाइनली कंप्लीट हो चुका है, पूरी भाई पैकिंग वगैरह हो चुकी है, जस्ट अपना भाई वायरिंग का काम चालू हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था भाई अपना स्पोर्ट्स वेरिएंट है और हमें भाई इसमें एक्स्ट्रा वाली लाइट्स जलवाने के अलग से वायरिंग करवानी पड़ती है, तो आप देख सकते हो भाई प्रॉपर वायरिंग वगैरह फ्यूज़ वगैरह यूज़ किया जा रहा है। और ये देखो भाई अपनी DRL वगैरह तो ऑन हो चुकी है, तो ये कंप्लीट पैक हो गई थी, सेकंड लाइट हमारी अभी पैक हो ही रही है तो आप देख सकते हो। तो एक बार भाई इसे होने देते हैं, वायरिंग होने देते हैं, फिर उसके बाद जो भी इसका प्रोजेक्टर जलेगा आप लोगों को मैं उसके भी रोशन दिखा दूंगा। तो आप लोगों को पता होगा भाई Hyundai वाले जितने भी भाई हैं उन सबको पता होगा कि i20 जो ओन कर रहे हैं या क्रेटा जो ओन कर रहे हैं अपने प्रोजेक्टर्स में इसमें हेलोजन आता है, कोई व्हाइट लाइट नहीं आती, अपनी येलो लाइट ही आती है। तो अभी हमारा यही प्लान है कि भाई हम इसे भी अपग्रेड करा के व्हाइट लाइट करवाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो एक बार इसे ऑन होने देते हैं, जो इसमें स्टॉक लाइट आती है स्टॉक लुक आती है आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा, प्लस HID वगैरह जब इंस्टॉल होगी कौन सी ब्रांड की इंस्टॉल करवा रहा हूँ वो सब भी आपके साथ में शेयर करूंगा। Few moments later. सो गाइस फाइनली अब हमारी गाड़ी की जो लाइट है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है, अपने भाई राइट और लेफ्ट दोनों लाइट इंस्टॉल हो चुकी है और आप लुक देख सकते हो भाई पहले से और अब में लुक में कितना डिफरेंस आ चुका है भाई। टॉप मॉडल की लाइट टॉप मॉडल की लाइट ही है बिल्कुल, आप देख सकते हो। और DRL वगैरह बिल्कुल हमने ऑन करवा दिया, इस साइड से मैं आप लोगों को एक बार DRL दिखा देता हूँ, देखो भाई अपनी DRL बिल्कुल ऑन हो चुकी है। तो भाई अभी जैसे कि मैंने कहा था इसके अंदर हम HID डलवाएंगे, तो एक साइड हमने भाई इसमें ऑलरेडी HID डलवा लिया और जो HID डलवाई है वो हमने भाई ये वाली डलवाई है 75 वॉट की, ये भाई मनीष भैया के पास अपनी इंपोर्टेड HID मिलती है, बहुत 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 अमेजिंग रिस्पॉन्स है भाई, बहुत पावरफुल HID है। तो डिफरेंस दिखाने के लिए भाई एक के अंदर हमने भी HID डलवाई है और एक के अंदर हमने भाई अपना नॉर्मल जो हेलोजन आता है जो स्टॉक लाइट आती है, तो आप लोगों को लुक में डिफरेंस प्लस आउटपुट में डिफरेंस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो भाई वो अपना हेलोजन और ये अपनी HID, तो HID थोड़ा सा टाइम लेती है वार्म अप होने में बट आप डिफरेंस देखना भाई, बीम आप लोगों को प्रॉपर HID के बिल्कुल बढ़िया तरीके से जाते हुए दिखेगी देखो। और सामने आप लोगों को थ्रो दिखाऊं भाई, बार हाई बीम कर दो तो भाई देखो थ्रो में आप डिफरेंस खुद देख सकते हो कितना अपना ब्राइट अप है, और वो देखो और सामने से भी दिखा देता हूँ, तो भाई ये देख सकते हो बहुत ही पावरफुल HID है कंप्लीट अपनी 75 वॉट की, और लुक भाई HID की बहुत बढ़िया आ रही है, प्रॉपर आप लोगों को बीम दिख रही है जाते हुए। तो आप लोगों के पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो HID भी अपग्रेड करा सकते हो और चाहो तो भाई अपना हेलोजन भी रखवा सकते हो। तो भाई मैं आप इसके अंदर HID अपग्रेड करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे रोशनी चाहिए बहुत ज़बरदस्त, ये देखो भाई सामने पूरा, तो ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो एक बारी भाई ये सिंगल ब्लास्टर जो हमारा रह गया इसके अंदर इंस्टॉल होना वो भी होने देते हैं, फिर उसके बाद मैं आप प्रॉपर आप लोगों को इसका रोड पे क्या थ्रो आ रहा है हर चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
तो भाई हमारी दोनों लाइट्स के अंदर अब जो HID है वो फाइनली इंस्टॉल हो चुकी है, और अब भाई जो टॉप मॉडल लाइट्स के लुक है आप देख सकते हो, तो गाड़ी के लुक भाई कम्प्लीटली बदल दी है, और फ्रंट से बहुत ज़्यादा बढ़िया लुक हो गई है। बाकी भाई गाड़ी थोड़ी सी अभी गंदी है, तो जब साफ होगी और एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। बाकी DRL वगैरह की अगर आप लोगों को लुक देखनी हो, फिटिंग वगैरह बिल्कुल प्रॉपर आ चुकी है, और जो हमने इसके अंदर भाई मिरर्स चेंज कराए थे, हमने शीशे चेंज कराए थे, उससे भाई बिल्कुल आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ब्रांड न्यू हमारी लाइट्स हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा ब्राइटअप व्यू दिखा रहा हूँ पूरा DRL वगैरह का। बाकी अभी अंधेरे में भी चलेंगे, और जो हमने 75 वॉट वाली HID इसके अंदर डलवाई है उसके लुक वगैरह भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो फटाफट चलते हैं भाई एक बार अंधेरे वाली जगह में और दिखाता हूँ आपको इसका पूरा लाइट का थ्रू। सो गाइज, हमारी टॉप मॉडल की जो लाइट्स है वो फाइनली हमारी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है कंप्लीट। भाई HID की इंस्टॉलेशन भी हो चुकी है, तो जस्ट हमारी अभी DRLs ऑन है, और आप DRLs वगैरह के लुक देख सकते हो कितनी अमेजिंग आ रही है। और भाई फ्रंट से बिल्कुल हमारी गाड़ी टॉप मॉडल हो चुकी है, आप देख सकते हो, ये देखो कितनी बढ़िया लुक आ रही है इसकी। अपने DRLs, प्रोजेक्टर्स, कॉन्ड्रिंग लैम्प को भी ऑप्शन आप चाहो तो लो या हाई बीम के साथ ऑन करा सकते हो, बट भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, मैंने जो बिल्कुल सिंपली छोड़ दिया, क्योंकि जो प्रोजेक्टर है भाई वो मोर देन इनफ है रोशनी के लिए। बाकी भाई HID हमने इसके अंदर इंस्टॉल करवाई है, तो आउटपुट तो बढ़ ही जाएगा। तो फर्स्ट आप एक बार रॉ लुक देख लो, थोड़ा सा आप लोगों को मैं ब्राइटअप व्यू भी दिखा दूंगा। अभी भाई मैं अंधेरे वाली जगह में आया था ताकि आप लोगों को इसका HID का रिस्पॉन्स दिखा दूँ। तो एक बार मैं आप लोगों को भाई इसका लो बीम दिखा देता हूँ पूरा। तो भाई HID है तो धीरे धीरे टाइम लेती है अपना वार्म अप होने पे, और ये देखो ये हमारा लो बीम। और भाई अभी 75 वॉट वाला आप देख सकते हो ब्लास्टर कितना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, और ये हमारा हाई बीम। हमारा भाई अपर डिपर भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, देखो, और बिल्कुल बंद कर देता हूँ, और ये देखो तो कितना ज़्यादा अपना ब्राइट अप हो चुका है। और भाई जो कंसर्न था रोशनी का अब वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉल्व हो चुका है, और प्रॉपर आप लोगों को बीम आती हुई दिख रही होगी। तो प्रोजेक्टर में भाई अपने यही खासियत होती है, देखो पास से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, 75 वॉट वाली HID भाई बहुत बढ़िया तरीके से आउटपुट दे रही है, और ये देखो। और बंद करके अगर मैं सिर्फ आपका अपर डिपर मारूं तो भाई बिल्कुल रोड इसने ग्लो अप कर दिया है, और जितनी भाई रोशनी चाहिए थी अब मोर देन इनफ है। एक बार सामने से भी दिखा देता हूँ पूरा, अपर डिपर भी दिखा देता हूँ, सब कुछ बढ़िया तरीके से काम कर रहा है भाई। जो हमारी इसके अंदर जो स्टॉक मोटर होती है वो भी एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो भी बढ़िया तरीके से अपनी काम करती है। देखो ये भाई ये अपनी नीचे पूरी आ गई, और ये अपनी पूरी ऊपर, तो मोटर भी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर आप टॉप मॉडल्स वाली हेडलाइट डलवाओगे आपकी मोटर काम नहीं करेगी, तो ये भी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो ये पूरा सेटअप आप देख लो। तो ये तो बात हो गई भाई प्रॉपर इंस्टॉलेशन वगैरह की, अब बात करते हैं भाई इसके अंदर टाइम वगैरह और पैसे वगैरह अपने कितने इसमें स्पेंड हो जाते हैं। तो भाई हमारी जो टॉप मॉडल की लाइट है हमारी गाड़ी में इंस्टॉल हो चुकी है, और भाई जो रोशनी आ रही है आप लोगों ने देख ली होगी, भाई बिल्कुल मजा आ रहा है। तो ये वाली वीडियो भाई मैं आफ्टर 2-3 डेज शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यार मैं कुछ जेन्युइनली एक्सपीरियंस लेना चाह रहा था कि हमारी गाड़ी में कोई मॉइस्चर या पानी वगैरह तो नहीं गया। तो भाई ये वाले अप्रॉक्स जब हमने पूरी जो लाइट इंस्टॉल कराई थी उसके 3 दिन बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और भाई अभी तक हमारी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना मॉइस्चर की, ना भाई कोई वायरिंग में कोई दिक्कत आ रही है, हर चीज बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही है, और भाई जेन्युइनली मजा आ चुका है। जो भाई मेरे दोनों कंसर्न्स थे लुक वाले और साथ में जो रोशनी वाले, दोनों कंसर्न सॉल्व हो चुके हैं। अब बात आती है भाई मेन चीज की, ये कौन कौन से लोग लगवा सकते हैं। तो भाई जिन भी गाड़ियों के टॉप मॉडल हेडलाइट्स आती है, फॉर एग्जांपल आपकी बलिनो हो गई, आपकी i20 हो गई, आपकी वरना हो गई, स्विफ्ट हो गई, जिन भी गाड़ी के टॉप मॉडल कंपनी से हेडलाइट्स डिफरेंट आती है वो अब सारी गाड़ियों की अवेलेबल होती है, आप लगवा सकते हो। और जिन गाड़ियों के पास भाई टॉप मॉडल में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स नहीं आती, फॉर एग्जांपल भाई हमारी i10 ग्रैंड हो गई, हमारी ऑल्टो हो गई, या वैगनर हो गई, जितनी हमारी पिछली थोड़ी लो सेगमेंट वाली कार हो गई, उसके अंदर भी आप प्रोजेक्टर इंस्टॉल करवा सकते हो। तो मैंने वीडियो के बीच में आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टर्स दिखाए थे, आप लोगों ने देखा होगा भाई, वो आप पूरी अपनी जो लाइट है उसे खुला के कस्टमाइज करवा सकते हो। तो उसका एक ब्लॉग हम ऑलरेडी डेडिकेटेड बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां पे जाके वो भी देख सकते हो। तो दो ऑप्शन हो गए भाई, आप टॉप मॉडल की हेडलाइट और साथ में जो प्रोजेक्टर्स है वो भी लगवा के अपनी लाइट कस्टमाइज करवा देते हो। अब भाई नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है प्राइसिंग की, कि हमारे भाई पैसे कितने खर्च हुए। तो भाई जो प्रोजेक्टर्स की मेरी जो इंस्टॉलेशन आई है विद लाइट का खर्चा जो कंप्लीट आया वो आया भाई 13,000 रुपीज, 13,000 में हमारी लाइट है और साथ में इंस्टॉलेशन आई है, उसके अंदर भाई हमारी HID इंक्लूड नहीं थी। HID अलग अलग रेट की आती है भाई, 3,500-4,000 से HID स्टार्ट हो जाती है। हमने भाई थोड़ी सी कॉस्टली वाली लगाई थी, हमने भाई 70 वॉट वाली HID लगाई थी, अप्रॉक्स उसकी प्राइसिंग मान के चलो भाई 7,000-8,000 रुपये के बीच में आती है, फ्लक्चुएट होती रहती है क्योंकि भाई इंपोर्टेड आइटम है, जिस टाइम आप लगवा रहे हो शायद भाई उसकी प्राइस कम भी हो जाए और ज़्यादा भी हो जाए, तो मोटा मोटा आप लोगों को मैंने उसकी भी प्राइसिंग बता दिया।
तो भाई आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल इज जेजे ऑटोमेल व्लॉग्स। साथ में भाई मनीष भैया का नंबर है जिन्होंने हमारी पूरी जो लाइट्स है वो इंस्टॉल करवाई थी, जो कस्टमाइज लाइट करते हैं भाई वो भी मनीष भैया ही करते हैं। तो आप लोगों को कोई भी गाड़ी की लाइट रेडी करवानी हो तो भैया को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और भैया आपकी गाड़ी की लाइट बिल्कुल कस्टमाइज कर देंगे। तो मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।